पिछले वीडियो में की स्टोन स्पीशीज का कंसेप्ट लर्न किया था, डिफाइनिंग फीचर किए थे, उसकी एक्सरसाइज इसमें होगी प्लस नॉलेज एक्सटेंशन होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, व्हाट इज की स्टोन स्पीशीज? ए स्पीशीज दैट इज हाईली अबंडेंट इन एन इकोसिस्टम। मैंने तो लर्न करने के लिए अबंडेंट जब आता है तो अमरेला टर्म, अमरेला स्पीशीज से इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पर हिंदी में इसका प्रचुर मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा जिसकी होती है, जिस स्पीशीज की, वो अमरेला से ज्यादा जुड़ते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के ज्यादा अमरेला की तरफ रखा है। क्योंकि जब सिमिलर डिस्ट्रक्टर आते हैं, ऑप्शन मतलब डिस्ट्रक्टर मीन रॉन्ग ऑप्शन दो, वो सिमिलर आते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क लेके चलेंगे, हो सकता है उसमें छुपे हुए बाकी गुण जो है उसको राइट या रॉन्ग कर दे। अभी तक मैं ज्यादा अमरेला के फेवर में हूं। स्पीशीज That has a significant impact on other species. ये भी यहां तक अमरेला में भी है और ये कीस्टोन में भी है, दोनों में लिख ली। एंड इकोसिस्टम प्रोसेसेस, अब ये प्रोसेसेस जो टॉप प्रीडेटर टॉप डाउन जो बात की थी कि कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं कीस्टोन स्पीशीज, टाइगर की बात की थी कि वो बाकी एनिमल जहां हर्बीवियर उनको जो कंट्रोल, उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ जाए तो उनको किल करते हैं, खा जाते हैं, जो जिनकी भी जनसंख्या बढ़ती है, तो ये प्रोसेसेस को कंट्रोल यहाँ पर ज्यादा पलड़ा भारी कीस्टोन स्पीशीज का हो गया। ए स्पीशीज दैट हैज एंडेमिक टू ए पर्टिकुलर रीजन, ये नैरो हो गया इसलिए इसको रिजेक्ट करते हैं कि एक विशेष क्षेत्र के लिए स्थानिक होते हैं, वैसे रिजेक्ट हो रहा है सीधा ये। ए स्पीशीज दैट इज ओनली फाउंड इन ओनली, ओनली वर्ड ने कह दिया कि ये पक्का गलत होगी, ओनली एंड ऑलवेज इंडिकेटर है। मैंने एक दो वीडियो भी बनाए, एक दो नहीं पांच सात आठ दस वीडियो हैं, कि जो स्पेसिफिक टर्म एमसीक्यू में यूज होती है वो बता देती है कि इस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी गलत होने की बहुत ज्यादा है और इसकी ठीक होने की ज्यादा है। इनमें से ओनली ऑलवेज एक्सट्रीम टर्म जब यूज की जाती है तो वो मोस्टली गलत होती है, फिर भी मैंने ऐसे इंडिकेटर भी लिया गलत होगी, बाद में रीजनिंग अप्लाई की। अब रीजनिंग अप्लाई फाउंड इन मैरीन, तो सिर्फ मैरीन समुद्री तल पर ये नहीं पाई जाती, जंगल में हम बात करके आए हैं कि टाइगर की बात करके आए हैं, इंडियन एलिफेंट की बात की है, तो ये रिजेक्ट होते हैं, ये दोनों वीक हैं, ज्यादा बी राइट ऑप्शन की जाता है, तो बी को चूज कर रहे हैं यहां पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साथ साथ में वो करते रहेंगे, नंबर सिस्टम यहाँ नहीं है, इसको भी साथ ऐसे करते रहेंगे। ये रहा हिंदी में, आप जिन्होंने हिंदी में पढ़ना है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम? टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू अदर स्पीशीज, यस ये इंपॉर्टेंट है, फूड एंड शेल्टर, फूड टू मेनटेन। देखिए जब हमने FGH किया था ना फार्मूला, के अमरेला और कीस्टोन स्पीशीज में डिफरेंस देखना है, तो मैंने कहा था फूड वेब पर असर ज्यादा कौन करता है, कीस्टोन, और ज्योग्राफिकल जो एरिया ज्यादा किसको चाहिए है ना, रेंज किसकी ज्यादा है, वो अमरेला की है। हैबिटेट ज्यादा किसको चाहिए, अमरेला को चाहिए। माइग्रेटरी, जो मोस्टली माइग्रेटरी स्पीशीज हैं वो अमरेला में शामिल है, कीस्टोन में शामिल नहीं है। एम भी यहां पर डाल सकते हो, ये सर्कल कर दिया। ओके, तो यहां पर फूड गुड है लेकिन यहां क्वेश्चन मार्क डाल लिया क्योंकि आगे वाली ऑप्शन देखनी है, यहां पर ये 50-50 हो गया। ओके, टू मेंटेन द बैलेंस, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग टर्म, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इकोसिस्टम, ये दो के हिसाब से यहां मैंने टिक लगा लिया है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन ना हो देख लो तो टू सर्व एज सिंबल ऑफ फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। हैबीमान ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने कि सिंबल ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, एनिमल की सुरक्षा की जो कोशिश है उसके सिंबल है, तो वो चुने जाते हैं जो एंडेंजर्ड एनिमल होते हैं, स्पीशीज होते हैं, जब बहुत कम गिनती जिनकी रह गई होती है वो बहुत एस्थेटिक अपीलिंग होते हैं, तो ये कहां हमने फ्लैगशिप स्पीशीज में किया था उसका है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, रेगुलेट तो करते हैं लेकिन वहां की पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, ये भी हो गया। तो टू मेंटेन बी इज द बेस्ट आंसर, परिस्थिति
तंत्र के संतुलन और अखंडता, संतुलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ आगे ये देख लेना है कि नेट में या किसी जो भी एग्जाम है उसमें संतुलन किसका बोला गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में भी देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा की स्टोन प्रजाति की उदाहरण है? एक हिरन, डियर, गिलहरी, मेरे ख्याल में समुद्री ऊद और बटरफ्लाई। हम पीछे उस वीडियो में पढ़ के आए हैं, बटरफ्लाई तो मुझे पता है कि वेरी सेंसिटिव है, जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस ज्यादा मात्रा में है तो ये बताती है, इंफॉर्मेशन देती है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो स्पीशीज देते हैं उनको इंडिकेटर स्पीशीज में रखा जाता है, तो ये इंडिकेटर स्पीशीज में शामिल है। हाँ डियर को मेरे ख्याल में फ्लैगशिप कहीं रखा हो सकता है, पर क्लियर नहीं है, मेरी ज्यादा जो सुई है उस तरफ जाती है, फ्लैगशिप की तरफ सिंबल। गिलहरी को नहीं कहीं भी यूज। ये रहा सी ऑटर, तुक्का है ये मेरा, सीधा तुक्का है, तो इसको देखते हैं राइट आंसर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। ये है मेरे ख्याल में सी ऑटर, इसका काम क्या है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सी ऑटर इज कंसिडर्ड ए टेक्सटबुक एग्जाम्पल ऑफ की स्टोन स्पीशियस बिकॉज इट्स रोल एज प्रीडेटर। प्रीडेटर वर्ड बार बार कंसेप्ट में भी यूज हुआ था, जो दूसरे एनिमल को किल करके खा जाता है, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। एट द टॉप ऑफ मल्टीपल ट्रॉफिक कैस्केड्स दैट रिजल्ट इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी की फॉरेस्ट एंड सी ग्रास बीड्स। तो ये इनका रोल है, दैट इज वाई इनको कीस्टोन में रखा जाता है। ट्रॉफिक कैस्केड का कंसेप्ट लर्न करते हैं आगे चल के, ये पहले ये लर्न कर लें। हाउ डज, नेक्स्ट है यहां पर हिंदी में भी, ये रहा हाउ डज ए की स्टोन स्पीशियस अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशियस बाय कंपीटिंग विद देम फॉर रिसोर्सेज। नहीं वो तो उनको मार के खा जाते हैं भाई, टाइगर की एग्जाम्पल है ना, तो कंपीट थोड़ी कर रहे हैं वो, तो सारा स्पीशियस प्रे स्पीशियस तो उनसे डरते हैं ना, कंपीट नहीं करते, दैट इज वाई यहां पर इसको रॉन्ग कर दिया। बट प्रोवाइडिंग देम विद शेल्टर एंड प्रोटेक्शन अफेक्ट है दूसरी पॉपुलेशन को, कैसे कर रहे हैं शेल्टर, शेर जो है हिरण को शेल्टर देगा प्रोटेक्शन देगा, नहीं ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, बाय प्रेइंग ऑन देम और कंट्रोलिंग देयर नंबर्स। यस, जो टाइगर है वो हिरन को खा जाता है, जो टाइरन है डियर को, जो भी एनिमल की पॉपुलेशन बड़ी है खा जाता है, वो उनको कंट्रोल करता है। यहाँ पर राइट आंसर ये है, उनका शिकार करके उनकी संख्या निरंतरित करके, वेरी सिंपल, बाय माइग्रेटिंग टू डिफरेंट हैबिटेट, ऐसा कोई रोल ये अदा नहीं करते, तो राइट आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ, यहां पर थोड़ा बड़ा कर लिया है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कीस्टोन स्पीशियस ऑन द इकोसिस्टम। परिस्थिति तंत्र पर कीस्टोन प्रजातियों के अप्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ट्रॉफिक कैस्केड, अभी इसकी बात करके आए थे, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां टिक लग गया है। कीस्टोन इफेक्ट नहीं, स्पीशियस इंट्रैक्शन, ये इनमें इंट्रैक्शन बहुत होता है, अभी ये बात भी याद रखनी है, यहां पर रॉन्ग है, हैबिटेट मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं है। तो ट्रॉफिक कैस्केड की बात कर लें, कंसेप्ट टॉप डाउन एंड बॉटम अप कैस्केड इफेक्ट जो है वो स्टडी कर लें, सिर्फ इसका एक ही शब्द आपने याद रखना है, पॉपुलेशन डिक्लाइन। अगर टॉप वाले जो प्रीडेटर हैं, टॉप प्रीडेटर कौन है, यहां पर टाइगर है, इनकी पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन होती, कम होती है, खत्म हो जाती है, तो नीचे वाले जो प्रे एनिमल्स हैं या नीचे वाले जो फूड चेन में आते हैं, इनसे नीचे जैसे हिरन आ रहा है, हिरन के नीचे ग्रास आ रहा है, इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? नेचुरली अगर इनकी संख्या कम हो गई तो इनकी संख्या जो है इंक्रीज हो जाएगी, इनकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी तो इनको ग्रास ज्यादा चाहिए, फूड ज्यादा चाहिए, तो फूड और इनके बिहेवियर में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। ऐसे ही बॉटम अप से क्या, बॉटम अप क्या है कि ग्रास जो डाइट है बेसिक वो किसी एरिया में कम हो गई है, लेस फ्रूट यहां पर लिखा हुआ है, तो लेस फ्रूट है तो हिरन को
खुराक कम मिलेगी, उनकी गिनती कम हो सकती है, उनकी गिनती कम हो गई तो टॉप वाले जो प्रीडेटर हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या कि उनको खाने के लिए हिरन नहीं मिलेंगे, कम मिले, और इनकी हेल्थ पर या बिहेवियर पर या इनकी गिनती पर इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कीस्टोन स्पीशीज दैट एक्ट एज इकोसिस्टम इंजीनियर। नेक्स्ट है, यहाँ से आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कीस्टोन प्रजाति की उदाहरण है जो एक परिस्थितिक तंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर सी टर्टल नहीं, ये बीवर हमने पढ़ा था, जब कंसेप्ट पढ़ा था वहाँ से मुझे याद आ गया है, बीवर, अमेरिकन बीवर था ना, जो वो ट्रीज को भी खा जाता है, इर्द गिर्द जो भी अधिक एनिमल है उसको खा जाता है, इवन वुड को भी खा जाता है, वॉल्फ, ईगल। ईगल को तो मेरे ख्याल सिंबल सिंबल के तौर पर यूज करते हैं, अगर यूज करते हो तो फ्लैगशिप में आ गया। वॉल्फ को भी, ग्रे वॉल्फ को एग्जांपल पिछले वीडियो में किया था, सिंबल के तौर पर ये भी फ्लैगशिप स्पीशीज में आ गया, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, और बीवर को हम चुन रहे हैं, बीवर को राइट आंसर के तौर पर। सी टर्टल क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ है दैट इज वाई इसको सीधा राइट आंसर के तौर पर चुन रहे हैं। नेक्स्ट है, हाँ उसकी इमेज है कि ये यहाँ पर भी बड़ा करके देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे ट्री को खा रहा है, देखिए ट्री को ही गिरा देगा, ये उसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, की स्टोन स्पीशीज आर टिपिकली, छोटा कर लें हिंदी में भी साथ में पढ़ लेते हैं, की स्टोन प्रजातियां आमतौर पर होती हैं जर्नलिस्ट दैट कैन अडेप्ट टू वेरियस हैबिटेट, इस पर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट नीड कंजर्वेशन एफर्ट, इस क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि टाइगर भी एंडेंजर्ड है, नीड कंजर्वेशन एफर्ट्स पॉसिबल है। अच्छा, लार्ज एंड चार्मिस्टिक स्पीशीज, अब चार्मिस्टिक स्पीशीज हमने किया था फ्लैगशिप में है ना, तो ये वहां जुड़ता है, लेकिन लार्ज कंफ्यूज कर रहा है, कृष्णमाई तो उधर साफ मिल रहा है, फाउंड ओनली इन मरीन इकोसिस्टम, ये गलत है, ओनली वर्ड शक डाल रहा है कि गलत होगा, मरीन में नहीं होता, टाइगर तो जंगल में होता है, ये तो पक्का गलत हो गया। हमारे पास ये क्या है, सामान्यता जो विभिन्न आवासों के अनुकूल हो सकता है, टाइगर विभिन्न आवासों के अनुकूल नहीं हो सकता भाई, ये दो बचे हैं, एंडेंजर स्पीशीज दैट नीड्स कंजर्वेशन एफर्ट और लार्ज एंड, इनमें से एक राइट आंसर होगा, कौन सा चूज करें। सिर्फ टाइगर की बात अगर कर रहे हैं तो एंडेंजर्ड इंडिया में है, लेकिन बाकी एनिमल जैसे है अमेरिकन बीवर है और एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में की है, तो वो एंडेंजर्ड में नहीं आती, दैट इज वाई लार्ज के बेस पर, वैसे ये अम्ब्रेला के साथ जुड़ रही है और ये फ्लैगशिप के साथ जुड़ रही है, मैं इसको ज्यादा थोड़ा सा 60% इसको 40% प्रेफर करके राइट आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ, लार्ज एंड चार्मिस्टिक स्पीशीज, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन इन दिस सीरीज, व्हाट हैपेंड टू एन इकोसिस्टम व्हेन की स्टोन स्पीशीज आर रिमूव्ड, ये कंसेप्ट जब किया था तब भी ये किया था ना, डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस और जो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, द इकोसिस्टम बिकम मोर स्टेबल एंड बैलेंस, रिमूव कर किए जाएंगे, ये देखिए रिमूव करना नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, स्टेबल होना पॉजिटिव है, ये मैच नहीं करते, इसको हटा दिया, इकोसिस्टम कोलैप्स, यस, स्टोन किया था ना, ऐसे स्टोन था जो सेंटर में और बाकी स्टोन ऐसे थे, बाकी स्टोन ऐसे थे, इसको हटा दिया गया तो बाकी कोलैप्स हो जाएगा, वहां से याद कर सकते हैं, तो लॉस्ट बायोडाइवर्सिटी, वेरी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा आंसर है, फिर भी पढ़ लेते हैं, द इकोसिस्टम एक्सपीरियंसेस रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिमूव कर दिए जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, द इकोसिस्टम बिकम मोर वल्नरेबल टू इन्वेसिव स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज जो आक्रामक स्पीशीज होते हैं, मेरे ख्याल में टिड्डी दल भी है जो आक्रामक ही है, एक बार आता है फसल खराब हो जाता है, वैसे इन्वेसिव स्पीशीज टर्म है कि जब जो हम वहाँ का नेटिव नहीं होता, वो बाहर से मंगवाए जाते हैं, हमने जो हमारे पंजाब में वो
पूल्स में छप्पड़ में होती है ना एक नागनी बूटी, वो इसमें शामिल है। कांग्रेस ग्रास या जिसको पार्थेनियम बोलते हैं, जिसको दमा बूटी भी बोलते हैं, तो वो वीट के सीड्स में मंगवाई गई थी। वो इन्वेसिव स्पीशीज की एग्जांपल है, अगर सॉल्व करने में हेल्प करे तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, हाउ डू की स्टोन स्पीशीज कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी? कीस्टोन प्रजातियां जैव विविधता में कैसे योगदान करती हैं? बाय प्रोवाइडिंग फूड, यस एफजीएच किया था ना, एफजीएच फूड प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर टू वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज, शेल्टर का तो क्वेश्चन है, फूड तो भाई प्रोवाइड करती है। बाय कंपीटिंग, कंपीट नहीं करती, लॉयन और वो ये वो पीछे भी करके आए हैं, नहीं। बाय माइग्रेटिंग, नहीं ये भी गलत है, माइग्रेटिंग डिफरेंट हैबिटेट एंड स्प्रेडिंग सीड्स, नहीं। बाय क्रिएटिंग बैरियर्स दैट प्रिवेंट स्पीशीज फ्रॉम इंटरेक्टिंग, ऐसे बैरियर कोई नहीं, ये ह्यूमन बीइंग थोड़ी है कि बैरियर करेंगे, ये तो गलत बन रही है। तो बेस्ट आंसर में से ये फूड के बेस पर हम इसको राइट आंसर, प्रजातियों कई एक विस्तृत श्रृंखला के भोजन और आश्रय प्रदान करके जो है कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not characteristics of keystone species? निम्नलिखित में से कौन सा keystone प्रजाति की विशेषता नहीं है? High abundance in ecosystem. देखिए ये शुरू में भी किया था, उसकी ये abundance से मैंने यू अम्ब्रेला स्पीशियस इसको याद रखता हूँ, तो इसमें शक कर रहा हूँ कि यही राइट आंसर होगा। मतलब इन्होंने नॉट पूछा है ना, तो ये कीस्टोन की नहीं कि अम्ब्रेला की है, दैट इज वाई ये राइट आंसर हो सकता है, मैंने टिक लगा लिया है। स्ट्रांग इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन विद अदर स्पीशीज, वेरी, इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रांग, जब मैंने कंसेप्ट में टीच किया था, स्ट्रांग इन्फ्लुएंस, स्ट्रांग इंपैक्ट और हाई इंपैक्ट, ऐसे एक्सट्रीम इंपैक्ट और डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस या इंपैक्ट, यहाँ पर इंट्रैक्शन है विद अदर स्पीशीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, उस कंसेप्ट में इंट्रैक्शन को भी शामिल कर लीजिए, ये क्योंकि यहाँ सही है ये गलत हो गया। डिस प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी, ये भी हमने किया करेक्टरिस्टिक्स में। सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल चेंज, ये भी शामिल है, छोटा टिक लगाया है, क्योंकि सेंसिटिविटी ज्यादा जिन एनिमल में होती है उनको किस कैटेगरी में रख लेते हैं, ओवरलैपिंग कंसेप्ट में है ही है, वो इंडिकेटर स्पीशियस में चले जाते हैं, वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर एनवायरमेंट में इकोलॉजी में चेंज आया है तो उनमें चेंज आता है, दैट इज वाई उनको इंफॉर्मेशन इंडिकेटर स्पीशियस में रखा जाता है।